गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे जो बहुत ही इजी और प्रॉब्लम्स हैं ये मगर जब के एग्जाम में आया हुआ है, तो मेरा टारगेट है आपको सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने, फर्स्ट ओडी, फिर आफ्टर देन एनी अदर क्वेश्चंस। सो टेक केयर एंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स आई विल हियर सो इट सो हियर एंड आई रिक्वेस्ट। सो प्लीज आप लाइक जरूर करें, कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड टेल टू फ्रेंड्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, जिससे आपकी ये फ्रेंड्स तक मोर देन जिनको जरूरत है उनके पास ये पहुंचता रहे ऐसा क्वेश्चंस। मतलब सो कम टू द पॉइंट्स फ्रेंड्स, हियर आई कंसीडर अ बॉडी यूनिट मास, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, यूनिट मास फॉलिंग फ्रॉम फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, सपोज दैट इज योर टॉप ऑफ दिस बना हियर, दैट पॉइंट पॉइंट है इज फ्रीली फ्रॉम दैट, दैट इज वेलोसिटी इज जीरो एंड यूनिट मास दैट इज एम इज इक्वल टू वन, हियर एम ऑफ जी the gravitational force that is m of g and air resistance due to this here means air resistance। आप याद रखेंगे जब air resistance होता है always upon acting on that particles opposite direction of motion, कभी भी जब particle अगर downwards है तो air resistance always upwards, बट जब हम टोटल फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं सो दैट इज टोटल वर्क इन डाउनवर्ड, इट मींस हियर इज गिवन अ सीवी, सो सीवी सो जो व्हेन डाउनवर्ड टू माइनस सीवी यू राइट डाउन द टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड्स बिकॉज मूवमेंट इन डाउनवर्ड्स टोटल वर्क, इट मींस टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, फर्स्ट टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, फर्स्ट पार्टिकल का वेट जो होता है mg ऑलवेज डाउनवर्ड्स एंड एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड, सो इज राइट डाउन डाउनवर्ड, सो टोटल फोर्स जो टारगेट इज फर्स्ट इज फाइंड आउट द टोटल फोर्स, सो टोटल फोर्स हियर दैट इज mg माइनस cv, बट mg माइनस cv m इज वन, इट मीन्स हियर g माइनस cv वन बिकॉज m इज इक्वल इज ऑलरेडी गिवन है, दैट इज अ यूनिट मास दैट इज f। Another we know that's F equal to ma, otherwise F a, that is here m is 1, so which is by dv upon dt, that is dv upon dt, so that is your second's law, so dv upon dt is equal to g minus cv, so here dv upon g minus cv is equal to dt। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, c माइनस c कॉमन कर सकते हैं, देन वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ दिस, सो माइनस c कॉमन इंप्लाई दैट इज योर माइनस dv अपॉन माइनस c कॉमन, सो दैट इज योर e माइनस g अपॉन c dt, अदरवाइज dv इज इक्वल टू g माइनस v g upon c is equal to minus c dt। So now integrating, then what did we get? Integrating. So integrating. So here dv upon v minus g by c is equal to minus c dt integrations and plus another is logarithm format में कर देते हैं, log of c1 something, so left hand side is log of v minus g upon c minus c ct plus log of c1, so v upon g minus c equal to how much? So v minus g upon c is equal to c1 e raised to minus ct, that is here सिंप्लीफाई कर, दैट इज वी गेट दिस, सो दैट इज सपोज क्वेश्चन नंबर टू। अब एट इनिशियल व्हाट इज द एट द टॉप ऑफ द व्हेन द पार्टिकल हियर, सो दैट केस हियर वी जीरो टी जीरो एट द टॉप ऑफ दिस, सो वेलोसिटी इन जीरो मींस एट इनिशियल वी जीरो टी जीरो, सो व्हाट इज द सी वन, वी जीरो मींस माइनस g by c is equal to which is 1 which is c1, imply that so c1 is equal to find out, put here so v equal to minus
बी माइनस जी बाई सी इज इक्वल टू माइनस जी बाई सी इज टू माइनस सी की एंड विच इज ट्रांसफर सो वेलासिटी इज इक्वल टू इट इज जी बाई सी कॉमन एंड हियर वन माइनस प्लस एंड इज टू माइनस सी की सो दैट गो टू वट विच ऑप्शन इज करेक्ट दैट ट्रांसफर सो चेक आउट विच इज रॉन्ग which is wrong that which is true which is wrong so third option is correct so that is ek logical problem tha bahut hi easy aisa nahi keh sakte but ek logical based problem related to the motion so take care generally aise problems aate nahi but is first aaya hua hai to abhi take care something next another problems and thank you bye bye